फॉब इंडिया हिंदी के एडिटर अजीत भारती ने 3 नवंबर 2020 को एक वीडियो को ट्वीट किया। इस वीडियो में लिखा हुआ है, जिहादी के प्रेम जाल में फंसी हिंदू लड़की का गला काट रहा था, अब आखिर कब हिंदू बचाएंगे। देखो चाची से मारा है, चाकू मारा है। अरे काटा हुआ है तेरा, काटा तो कुछ से हमको लगा ना। इस वीडियो में एक लड़की दिखाई देती है जिसकी गर्दन और गाल पर कटे के निशान हैं, जिनसे खून बह रहा है। पास ही कुछ लोगों का झुंड एक लड़के को पीट रहा है। बताया जा रहा है कि इस मुस्लिम लड़के ने उस लड़की पर चाकू से वार किया। कई मौकों पर सांप्रदायिक जानकारी फैलाने वाले दीपक शर्मा ने भी 3 नवंबर को वीडियो ट्वीट करते हुए इसे क्रिमिनल एंगल देने की पूरी कोशिश की, हालांकि बाद में उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। अक्टूबर महीने में ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क ने एक ऐड निकाला था जिसे सोशल मीडिया पर लव जिहाद को प्रमोट करने वाला ऐड बताया गया। इसके बाद से कई ऐसे वीडियो शेयर किए गए हैं जिसमें लव जिहाद और उसके कथित प्रभाव देखे जा सकने का दावा किया जा रहा है। उस वक्त भी ये वीडियो खूब शेयर किया गया था। असल में घटना 15 सितंबर 2019 की है। अरविंद कुमार नाम के एक शख्स ने कथित तौर पर अपनी प्रेमिका पर इसलिए हमला कर दिया था क्योंकि उसे शक था कि उसका किसी और से प्रेम प्रसंग चल रहा था। चंदवा निवासी अरविंद कुमार लड़की से मिलने रांची आया था। वो दोनों पतरातू घाटी व डैम घूमने गए थे। लौटते समय किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। इसके बाद अरविंद ने तेज धूप होने की बात कहकर अपनी बाइक एक पेड़ के पास रोक दी और दोनों पेड़ की छांव में बैठ गए। इसी बीच छात्रा जब तक कुछ समझ पाती, अरविंद ने चाकू से उसकी गर्दन पर वार कर दिया। लड़की ने वहां से भागने की कोशिश की। आसपास गुजर रहे लोगों ने कुमार को पकड़ लिया। उसके बाद उसे पिठोरिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ऑल्ट न्यूज ने पिठोरिया पुलिस से संपर्क किया। हमें बताया गया कि वो लड़की अरविंद कुमार के फोन कॉल्स को नजरअंदाज कर रही थी, इस वजह से कुमार उससे मिलने आया था। गुस्से में उसने महिला पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने हमें आगे ये भी बताया कि आरोपी और विक्टिम दोनों एक ही समुदाय के हैं और इसमें कोई भी सांप्रदायिक एंगल नहीं है।